ज्ञानी बताए हैं, मैं आपके बीच में उन बच्चों के साथ भी मैं आकर्षित करने की कोशिश करूंगा जो गणित से उतना खुश नहीं है, लेकिन एक बार आप गणित स्ट्रीम जाएंगे, अब जो आने वाले युग है सिर्फ गणित का युग होगा, क्योंकि जो हमारे स्वर्गीय एपीजे कलाम जी ने सिर्फ एक ही बात कहा था कि 2020 में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। कारण क्या है? बहुत स्पष्ट है। आज अमेरिका जो पूरी दुनिया को संभाले हुए, आप उसकी हिस्ट्री देखिए, किसका ब्रेन है। यहां से हमारी इंडिया 32% अभी IBM के इंजीनियर्स अमेरिका में जो काम कर रहे हैं, हमारे इंडियन नैस्कॉम में 28% है। आज पूरे विश्व में धक्का बजा रहा है, तो किसका रहा है? हमारे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, यहां से जाते हैं वहां पर पैकेज मिलता है 1 करोड़ 2 करोड़, वहां से सॉफ्टवेयर बनकर आपका 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए में वही हम लोग खरीदते हैं। आज बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, आप जो बच्चे बैठे, तो हमारे जो विद्वानों का विजन था 2020 में एक रेवोल्यूशन आने वाला, उसका साक्षात उदाहरण है। जितने भी लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं भी फंसे हुए हैं, वो सब लोग लैंड कर रहे हैं इंडिया में। फिर से वो सॉफ्टवेयर का क्या है, वहां पर काफी अच्छा रहे, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह मिले। तो मैथमेटिक्स के बारे में आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर जिसके दिमाग में थोड़ा भी नॉलेज है कोई भी विषय में, खास करके मैथ्स, को हर फील्ड में आपको पढ़ाते हैं। तो हम इसीलिए हमने ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब की तरफ से एज ए डायरेक्टर को देखा। हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अभी मैं थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं वहां पर गया 8 into 9, और जो बिलीव मैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गया और 8वीं क्लास के बच्चों को बोला 8 गुणित 9 कितना होता, दे वर नॉट एबल टू गिव दैट रिप्लाई इमीडिएटली, दे वांटेड कैलकुलेटर। मैंने वो वेरी इज योर सीपीयू, भगवान ने सीपीयू क्या इंडिया में दिया, अमेरिका में नहीं दिया। तो बच्चों को आश्चर्य हुआ कि क्या कैलकुलेशन भी दिमाग से करते, बोला हमारे यहां करते। बहुत अच्छी बात है, जस्ट लाइक